वेल सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एक्सट्रूड रीजन के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रूड मैनिफोल्ड के बारे में। तो क्या होता है एक्सट्रूड मैनिफोल्ड? तो एक्सट्रूड मैनिफोल्ड भी एक्सट्रूड रीजन की तरह ही होता है, पर इसमें डिफरेंस ये होता है कि जहां से आप एक्सट्रूड कर रहे हो मैश को या ऑब्जेक्ट को, वो जो है एक अलग शेप डिफॉर्म ना करते हुए वहीं से जो है एक्सट्रूड होगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप एक्सट्रूड रीजन से करते हो तो आपकी यहाँ सेंटर में एक लाइन दिखेगी, दिख रही एजेस एजेस की लाइंस, ठीक है। और अगर आप मैनिफोल्ड से करते हो तो मैनिफोल्ड मैनिफोल्ड जहां से आप इसे एक्सट्रूड कर रहे हो वो वहीं से एक्सट्रूड होगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है एक्सट्रूड मैनिफोल्ड का। आप सेम इसमें स्केल कर सकते हो, मल्टीपल में एजेस फेसेस सिलेक्ट करने का आपको शिफ्ट के साथ क्लिक करने देगा, ठीक है। और एक मॉडल आप तैयार कर सकते हो, वहीं से एक्सट्रूड होगा और वहीं से डी एक्सट्रूड होगा ये। एंड यस ऐसे लाइक दिस। अगर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करते हो तो आप ये सारी जो है एक सीरीज में आप फेसेस या एजेस वो सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल एंड सिलेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कम है तो हो नहीं पा रहा है। एंड देन एक्सट्रूड। अब डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको एक्स एक्सिस में करना है तो एक्स एक्सिस, वाई में करना है तो वाई एक्सिस, जेड में करना है जेड एक्सिस। ये मैं जेड में कर रहा हूँ। लेट मी सी द एक्स एक्सिस फर्स्ट। ओके ग्रेट। तो ये कुछ हमने ऐसा बना लिया है। क्या लग रहा है, कौन सा मॉडल लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इसको हम रोटेट कर लेते हैं, रोटेट एक्स एक्सिस में। तो इसे हम थोड़ा ऊपर ले आएंगे, तो वापस जाएंगे एडिट मोड में और देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट कैसा लग रहा है। थोड़ा सा टिल्ट हो चुका है ऑब्जेक्ट मोड। एक्स एक्सिस रोटेशन एक्स एक्सिस जी जेड एक्सिस। नाउ परफेक्ट 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 परफेक्ट। तो ये वायर फ्रेम मोड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और देखते हैं मैनिफोल्ड को और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, अच्छे अच्छे मॉडल्स आप से डिजाइन कर पाओगे। एक्सट्रूड मैनिफोल्ड का है तो एक्सट्रूड मैनिफोल्ड के बारे में बताऊंगा मैं आपको। ये सिलेक्ट होगा मल्टीपल एजेस फेसेस और एक्सट्रूड करेंगे इसको एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस के लिए। और वाई एक्सिस थोड़ा बेकार सा लग रहा है। एक्स जेड एक्स एक्सिस सेट बाय जेड मल्टीपल सिलेक्ट करते हैं जेड एंड जेड। और अगर आप क्लिक करते हो तो एक्स और वाई एक्सिस पे लेगा, मतलब जेड को नहीं लेगा। शिफ्ट के साथ जेड क्लिक किया तो और नाउ इट्स परफेक्ट। तो हमारा एक मॉडल तैयार हो चुका है, क्या है पता नहीं बट बहुत अच्छा लग रहा है, कूल सा लग रहा है। इसे भी हम स्केल करेंगे थोड़ा। फिर एक्सट्रूड करेंगे। फिर स्केल करेंगे। और अब जैसे इसको स्केल करते हो फिर ये एक शेप डिफॉर्म हो जाती है और फिर वो वहीं से जो एक्सट्रूड करता है, ठीक है। एक्सट्रूड देन स्केल देन एक्सट्रूड। तो हमारा इमेज ऐसा शेप ले लिया, एक
पॉट टाइप लग रहा है ये, और एक्सट्रूड करते हैं, स्केल करते हैं, सॉरी, थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ। स्केल परफेक्ट। तो ये था एक्सट्रूड मैनिफोल्ड। आई होप आप साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एक्सट्रूड रीजन के बारे में आपने ऑब्जेक्ट बनाया, आप एक्सट्रूड मैनिफोल्ड से आपने अपना ऑब्जेक्ट बनाइए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपने क्या क्या ऑब्जेक्ट बनाए हैं। ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स के बारे में, ये भी एक्सट्रूड का एक पार्ट है। तो थैंक यू सो मच, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।